नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टफ यूट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लारालिंक यूआरएल शॉर्टनर स्क्रिप्ट की मदद से आप एक यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये स्क्रिप्ट नहीं है तो इसे डाउनलोड कहाँ से करना है ये भी हम देखने वाले हैं। इन्वाटो मार्केट की जो फ्री फाइल ऑफ द मंथ थी, यानी कि दिसंबर की फ्री फाइल्स ऑफ द मंथ, उसमें ये जो स्क्रिप्ट था फ्री में डाउनलोड के लिए अवेलेबल था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स के पास ये जो स्क्रिप्ट है ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपके पास ये स्क्रिप्ट नहीं है तो आप इसे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको स्क्रीन पे यहाँ पे ये जो एक लिंक दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब कॉपीराइट की इशू की वजह से मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक नहीं प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो स्क्रीन पे आपको ये जो यूआरएल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जाके आप उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बस वहाँ पर बाय नाउ बटन पर क्लिक कर देना है और इसे आप वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। तो अगर आपके पास ये स्क्रिप्ट नहीं है तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अब स्क्रिप्ट डाउनलोड कर लेने के बाद स्क्रिप्ट को हमें हमारी सी पैनल में कैसे अपलोड करना है, हमें क्या क्या सेटिंग्स करनी है और इंस्टॉलेशन प्रोसीजर कैसा है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब हम देखते हैं कि हमारी जो लारालिंक यूआरएल शॉर्टनर स्क्रिप्ट है उसे सी पैनल में कैसे अपलोड करना है। तो जो जिप फाइल आपके पास रहेगी या फिर आपने जो डाउनलोड की है उसको सबसे पहले आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है जहाँ पर भी आपकी ये स्क्रिप्ट सेव है। एक्सट्रैक्टेड फोल्डर के अंदर आपको एक और जिप फाइल मिलेगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो जिप फाइल है इसे भी आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे इसे एक्सट्रैक्ट होने देना है। आपको यहाँ पे थोड़ी वेट करनी पड़ेगी, ये जो स्क्रिप्ट है बहुत हेवी स्क्रिप्ट है, तो पूरा यहाँ से इसे एक्सट्रैक्ट होने दीजिए। एक बार हमारी ये स्क्रिप्ट यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाए तो अब हम चलते हैं कि इंस्टॉलेशन प्रोसीजर की तरफ। लारालिंक का जो है वो उनका खुद का भी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है अगर आप रेफ़र करना चाहते हैं तो। इंस्टॉलेशन प्रोसीजर का हमारा सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो है, हमारी सर्वर का PHP वर्जन जो है वो 7.2.5 या फिर उसके आगे का वर्जन होना चाहिए। तो ये हम कैसे चेक कर सकते हैं? सी पैनल में जाने के बाद सबसे ऊपर आपको जो सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है PHP। उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट PHP वर्जन। अगर आपके सी पैनल में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उस वक्त आपको क्या करना है ये भी हम देखने वाले। फिलहाल अगर आपके होस्टिंग में अगर ये ऑप्शन दिखाई दे आपको सेलेक्ट PHP वर्जन, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जिसके बाद आपका जो सर्वर है, यानी कि आपके जो सर्वर सिस्टम है, उसका करंट PHP वर्जन आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट PHP वर्जन जो है मेरे सर्वर का यहाँ पे 7.3 है, जो कि यहाँ पे इनफ है, लेकिन हमें जो रिक्वायरमेंट था 7.2.5 या फिर उसके आगे का। अगर आपके यहाँ पे इसके पहले का वर्जन अगर रहे तो आप यहाँ से इसे सेलेक्ट करके चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ आप एक बार अपनी होस्टिंग वालों से ज़रूर बात करिएगा इसे चेंज करने से पहले। अब अगर आपकी सी पैनल में ये ऑप्शन नहीं है तो आपको क्या करना है, उस वक्त आपको क्या करना है, आपके सी पैनल में आपको सॉफ्टवेयर नाम का एक सेक्शन मिलेगा। अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेक्शन सॉफ्टवेयर। इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मल्टी PHP मैनेजर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पर आपको क्लिक करना है जिससे कि आप अपने करंट PHP वर्जन को यहाँ पर देख पाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सिस्टम PHP वर्जन हमारा यहाँ पर 7.3 है। और अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल साइट का अलग अलग PHP वर्जन भी सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पे डोमेन लिस्ट शो रहे है लेफ्ट साइड में और उसके आगे हमारा PHP वर्जन शो हो रहा है। तो यहाँ से आपका जो भी डोमेन है उसे सेलेक्ट करके आप यहाँ से उसका PHP वर्जन भी चेंज कर सकते हैं, अगर आपका 7.2 के पहले का है तो। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी इंस्टॉलेशन प्रोसीजर की तरफ और ये जो डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस डॉक्यूमेंटेशन को भी पढ़ सकते हैं। तो हमने जो फोल्डर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया था तो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर में हमें और दो फोल्डर मिलेंगे। तो हमें जाना है लारालिंक 1.2.2, तो इस फोल्डर में हमें जाना है। यहाँ पर आपको सारे स्क्रिप्ट के फाइल मिल जाएंगे जैसा कि आप देख सकते। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कंट्रोल ए प्रेस करके या फिर ये जो सारे फाइल्स है इन्हें सेलेक्ट करना है और ये जो फाइल्स है इन्हें हमें यहाँ से जिप कर लेना है इस तरीके से। तो आपने जहाँ कहीं भी एक्सट्रैक्ट किया था फोल्डर उसे यहाँ पे जिप कर लीजिए। लारालिंक 1.2.2 इस फोल्डर में जो आपको फाइल्स मिलेंगी उन सारे फाइल्स को यहाँ पे जिप कर लीजिए।
एक बार आपने यहाँ से ये zip फाइल क्रिएट कर ली, तो अब हम देखते हैं कि इसे cPanel में अपलोड कैसे करना है। अब हमारा जो zip फाइल है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आपको जाना है यहाँ पे cPanel में। cPanel में जाने के बाद फाइल मैनेजर का जो सेक्शन आपको मिलेगा उस पर आपको क्लिक कर लेना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आप जिस भी फोल्डर पे अपलोड करना चाहते हैं इस स्क्रिप्ट के, उस फोल्डर में आपको यहाँ पे जाना है। अगर आपके एक से ज़्यादा यहाँ पे डोमेन्स होंगे तो आपको यहाँ से नेविगेट कर लेना है किस डोमेन की फोल्डर में आपको इसे अपलोड करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी डोमेन रहेगा उसमें आपको ऑलरेडी दो फोल्डर यहाँ से इस तरीके से मिल जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर होंगे तो यहाँ से सेलेक्ट करके इस डिलीट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और ये जो फोल्डर्स है यहाँ से आपको डिलीट कर देने हैं। और सेम प्रोसीजर आप जो है सब डोमेन के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप इस स्क्रिप्ट को सब डोमेन पे अपलोड करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको क्या करना है, सब डोमेन की फोल्डर में जाना है। हमारे ये जो मेन डोमेन है इस पर फिलहाल हम इसे अपलोड करने वाले हैं, तो ऊपर आपको यहाँ पे जो अपलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा अपलोड का, तो यहाँ से आप फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर हमने अभी जो zip फाइल क्रिएट की थी उसे आपको यहाँ से ड्रैग करना है और यहाँ पे जाके आपको उसे पेस्ट कर देना है, यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अब ये जो है हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पे अपलोड हो रही है, तो ये जो प्रोग्रेस बार आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, आपको इसे पूरा यहाँ पे ग्रीन कलर में होने देना है, जिससे कि हमें पता चल जाएगा हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी स्क्रिप्ट अपलोड हो चुकी है। नीचे आपको ये जो गो बैक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लीजिए। अब आपका जो फाइल मैनेजर है डोमेन का उसमें एक zip फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि ये zip फाइल है हमारी इस डोमेन की फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ से इस सारे फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब आपका जो भी डोमेन है या फिर सब डोमेन है जहाँ पे आपने ये फाइल्स अभी एक्सट्रैक्ट की है उसको आपको यहाँ से विजिट करके देख लेना है। तो इसे विजिट करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की फाइल डायरेक्टरी आपको यहाँ पे दिखाई दे देगी। अब हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पर ये जो पब्लिक नाम का फोल्डर दिखाई दे रहा है इस फोल्डर पे आपको क्लिक कर लेना है इंस्टॉलेशन प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए। तो अब इस विंडो में आने के बाद सबसे पहले आपको ये यहाँ पे मैसेज दिखाई दे देगा कि आप जो है अपनी सर्वर का डेटाबेस होस्ट, डेटाबेस पोर्ट, डेटाबेस नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड, ये सारी चीज़ें निकाल के रखिएगा। लेकिन हम इसे बाद में करने वाले हैं, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ नेक्स्ट स्टेप का ये जो बटन दिखाई दे रहा है आपको इस बटन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद सेकेंड विंडो आपके यहाँ पर ओपन हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर भी आपको कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नेक्स्ट स्टेप बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप में हमें कुछ यहाँ पे एरर शो हो रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन एरर्स को हम वन बाय वन यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, cPanel में जाना है जहाँ पे हमने हमारी फाइल्स एक्सट्रैक्ट की थी। उसके बाद आपको जाना है सेकेंड फोल्डर जो दिखाई दे रहा है बूटस्ट्रैप का, तो इस बूटस्ट्रैप फोल्डर में आपको जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहला जो फोल्डर है कैशे, उस पर क्लिक कर लीजिए। और उसके बाद ऊपर आपको यहाँ पे ये जो परमिशंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पे ये जो पॉपअप आपके यहाँ पे ओपन होगा, तो यहाँ पे ये जो दो बॉक्सेस आपको ब्लैंक मिलेंगे यहाँ से इसे क्लिक कर लीजिए, यानी कि राइट परमिशन इसकी ऑन कर लीजिए। नीचे आप देख सकते हैं हमारे परमिशंस के नंबर भी चेंज हो चुके हैं 777। तो ये परमिशंस ऑन करने के बाद आपको सिर्फ ये जो चेंज परमिशन बटन है इस पर क्लिक कर लीजिए। अब हमारी इंस्टॉलेशन विंडो में हम यहाँ से इसे रीलोड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा ये फर्स्ट एरर यहाँ से हट चुका है। सेकंड एरर सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ से ये जो बैक ऑप्शन दिखाई दे रहा है बैक बटन, इस पर क्लिक करिए। अब हमें जाना है स्टोरेज वाले फोल्डर में। उसके बाद आपको थर्ड नंबर का जो फोल्डर दिखाई दे रहा है फ्रेमवर्क का, इस पर आपको क्लिक करना है और सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है। परमिशंस में आपको जाना है और यहाँ से इसके परमिशंस जो है कोड इसे 777 यहाँ से कर लेना है और चेंज परमिशन बटन पे क्लिक कर लेना है। अब हमारा ये जो सेकंड एरर है ये भी यहाँ से सॉल्व हो चुका है। अब हम यहाँ से हमारा थर्ड जो एरर है वो सॉल्व कर लेते हैं। आपको फिर से बैक बटन पे प्रेस करना है और उसके बाद आपको फिर से एक बार जाना है स्टोरेज वाली फोल्डर में। स्टोरेज फोल्डर में जाने के बाद आपको वहाँ पे एक लॉक्स नाम का फोल्डर दिखाई दे देगा,
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस फोल्डर को भी आपको सेम प्रोसीजर करनी है, इनके परमिशंस भी आपको यहाँ से इस तरीके से चेंज कर लेते हैं। अब हमारे यहाँ पे तीनों जो एरर्स थे वो यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। अब हम यहाँ से इसे रिलोड करके देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे तीनों एरर्स यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बटन पे क्लिक कर लेना है। अब इस स्टेप में हमें जो है कुछ डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, यानी कि हमारा डेटाबेस क्रिएट करना, यूज़र नेम क्रिएट करना, उस डेटाबेस का पासवर्ड सेट करना और यो जो यूज़र क्रिएट किया है उसको उस डेटाबेस को असाइन करना। तो इसे करने के लिए आपको जाना है सी पैनल में और डेटाबेस नाम का ये जो सेक्शन है इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा MySQL डेटाबेसेस। तो ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लीजिए हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट करने के लिए। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको जो दिखाई दे रहा है क्रिएट न्यू डेटाबेस, यहाँ से हमें एक डेटाबेस क्रिएट कर लेना है। तो इस इनपुट फील्ड में आप जो भी नाम रखना चाहते हैं अपने डेटाबेस का वो यहाँ पे टाइप कर लीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पे URL शॉर्ट ऐसा टाइप कर लेता हूँ और क्रिएट डेटाबेस वाले इस बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरीके से हमारा यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। ये जो नाम आपको दिखाई दे रहा है इसे नोटपैड में या फिर आपके पास जो भी टेक्स्ट एडिटर रहेगा उसमें इसे कॉपी पेस्ट करके रख लीजिए। हमें ये इंस्टॉलेशन के वक्त ये डेटाबेस नेम लगने वाला है। उसके बाद आपको गो बैक वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब MySQL वाले डेटाबेस इसी पेज पे हमें क्या करना है, एक न्यू यूज़र क्रिएट करना है और वो जो यूज़र है वो हम उस डेटाबेस को यहाँ पे असाइन करेंगे। तो MySQL डेटाबेसेस वाले इसी पेज पे आपको थोड़ा नीचे स्क्रोल डाउन कर लेना है और यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख सकते हैं ऐड न्यू यूज़र। तो यहाँ पे सबसे पहली जो फील्ड आपको मिल रही है यूज़र नेम, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से जो भी आपको यूज़र नेम सेट करना है वो। तो यूज़र नेम यहाँ पे टाइप कर लीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ URL एडमिन और उसके ठीक नीचे आपको यहाँ से पासवर्ड सेट कर लेना है या फिर आप ये जो पासवर्ड जनरेटर का बटन है इसका भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार आपने यहाँ से पासवर्ड जनरेट कर लिया यानी कि जो भी पासवर्ड है सेट कर लिया, क्रिएट यूज़र वाले इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिए और जो पासवर्ड हमने अभी क्रिएट किया था वो पासवर्ड भी आप नोटपैड में यहाँ पे सेव करके रख लीजिए। पासवर्ड भी हमें यहाँ पे इंस्टॉलेशन के वक्त लगने वाला है। क्रिएट यूज़र इस बटन पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको ये जो यूज़र नेम दिखाई दे रहा है ये यूज़र नेम भी यहाँ से कॉपी कर लीजिए। यूज़र नेम भी हमें हमारी इंस्टॉलेशन की विंडो में यहाँ पे लगने वाला है। तो यहाँ पे यूज़र नेम ऐसा टाइप करके जो भी आपका यूज़र नेम है वो यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। अब हमारा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। यूज़र नेम और पासवर्ड ये भी यहाँ से सेट हो चुका है। अब हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ या नहीं ये देखने के लिए आपको फिर से जाना है आपकी सी पैनल में और सी पैनल में जाने के बाद वहाँ पे डेटाबेस नाम के सेक्शन में आपको एक और ऑप्शन मिलेगा PHP माय एडमिन। तो उस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है जिस पे कि आपके अगर एक से ज़्यादा वेबसाइट होंगे तो यहाँ पे आपके डेटाबेस शो हो जाएंगे। तो जो हमने अभी डेटाबेस क्रिएट किया था यहाँ पर आप देख सकते हैं URL शॉर्ट, ये डेटाबेस हमारा यहाँ से क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है लारालिंक की इंस्टॉलेशन विंडो में। अब यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है डेटाबेस होस्ट, तो यहाँ पे ये जो आपको होस्ट कोड दिखाई दे रहा है ये यहाँ से वैसे ही रहने दीजिए या फिर आप यहाँ पे लोकल होस्ट ऐसा भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कि जो होस्ट का पोर्ट नेम था वो वैसे ही वहाँ पे रहने दीजिए। उसके बाद डेटाबेस पोर्ट में यहाँ पे आपको नंबर जो दिखाई दे रहा है 3306, तो आपकी PHP माय एडमिन में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो नंबर दिखाई देगा वही सेम नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है जो कि हमारा है 3306। उसके ठीक नीचे डेटाबेस नेम में हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया था वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। आप यहाँ से ही इस डेटाबेस नेम को कॉपी कर सकते हैं या फिर हमने जो नोटपैड में सेव करके रखा था डेटाबेस का नेम वहाँ से भी आप उसे कॉपी कर सकते हैं। डेटाबेस नेम यहाँ पे डाल लेने के बाद यूज़र नेम हमने जो यहाँ पे सेट किया था हमारी डेटाबेस को वो यूज़र नेम आपको यहाँ पे डालना है। तो हमारे नोटपैड से मैं यहाँ पे यूज़र नेम को कॉपी कर लेता हूँ। यूज़र नेम यहाँ पे डाल लेने के बाद उसके ठीक नीचे डेटाबेस पासवर्ड वाली इनपुट फील्ड में जो भी पासवर्ड आपने सेट किया है वो यहाँ पे सेट कर लीजिए, वो यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए डेटाबेस पासवर्ड वाली इस इनपुट फील्ड में। और इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप का जो बटन है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब हमें यहाँ पे एक एरर शो हो चुका है एक्सेस डिनाइड फॉर यूज़र, तो इसे कैसे सॉल्व करना है अब हम ये देखते हैं।
तो फिर से एक बार आपको जाना है सी पैनल में और MySQL डेटाबेसेस वाले सेक्शन में आपको जाना है। इस पेज पे आने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है और ऐड यूज़र टू डेटाबेस इस तरीके का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यूज़र वाली इस इनपुट फील्ड से आपने जो डेटाबेस क्रिएट किया था, जो भी आपने नाम रखा है, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए इस ड्रॉपडाउन में से, अगर आपके एक से ज़्यादा डेटाबेस आपकी सी पैनल में रहेंगे तो। और उसके ठीक नीचे डेटाबेस वाले इस ड्रॉपडाउन में से जो भी डेटाबेस हमारा है, जो कि हमने क्रिएट किया था URL शॉर्ट नाम से, तो वो डेटाबेस यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आपका जो भी रहेगा वो। और उसके बाद ऐड वाला जो बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लीजिए। अब इससे होगा क्या, हमने जो यूज़र क्रिएट किया था वो यूज़र जो है हम इस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ऑल प्रिविलेजेस नाम का ये जो चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लीजिए। अब इससे होगा क्या, हमने जो यूज़र क्रिएट किया था वो यूज़र एक तरीके से ही हमारा जो डेटाबेस है उसको वो एक्सेस कर पाएगा, यानी कि डेटाबेस मैनिपुलेशन के जो ऑपरेशंस रहे थे वो यहाँ पे सारे ऑपरेशंस यहाँ पे क्रिएट कर पाएगा। एक तरीके से हम उसे प्रिविलेज दे रहे हैं कि वो डेटाबेस ऑपरेशंस यहाँ पे कर सके। तो ऑल प्रिविलेजेस नाम का ये जो आपको चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है इसको सेलेक्ट कर लीजिए और मेक चेंजेस वाले इस बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब हमारा यहाँ पे ये जो यूज़र नेम है वो हमारी इस डेटाबेस को असाइन हो चुका है। अब हमें फिर से जाना है इंस्टॉलेशन वाली विंडो में और नेक्स्ट स्टेप वाले इस बटन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा वो जो एरर था वह यहाँ से सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे आपको एक मैसेज शो हो जाएगा, डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुल। फिर से आपको नेक्स्ट स्टेप वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको एक और मैसेज शो हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, माइग्रेशन लोडेड सक्सेसफुली। तो ये भी हमारा यहाँ से सॉल्व हो चुका है। अब आपको फिर से एक बार नेक्स्ट स्टेप इस बटन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपका जो इंस्टॉलेशन डिटेल्स है वो आपको इस विंडो में दिखाई देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे URL दिखाई दे रहा है कहाँ पे आपका जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है। उसके ठीक आगे राइट साइड में आपको यहाँ पे एडमिन एरिया के डिटेल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे ये जो है लॉगिन डिटेल्स रहेंगी और उसके ठीक नीचे ईमेल पासवर्ड रहेगा, वो जो है आप अपनी एडमिन एरिया में उसे चेंज भी कर पाएंगे बाद में। अगर मैं अब इस URL को विजिट करूँ तो आप देख सकते हैं हमारी जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे मेन डोमेन पे नहीं इंस्टॉल हुए, मतलब हमारा जो डोमेन है xyz/public, अगर आप ये URL डालेंगे तभी आपका ये जो URL शॉर्टनर है वो ओपन होगा। अगर आप सिर्फ यहाँ पे आपका डोमेन नेम डालेंगे तो इंस्टॉलेशन से पहले जैसी डायरेक्टरी हमारी आई थी वैसे फाइल डायरेक्टरी आपको यहाँ पे आएगी। तो आपका डोमेन /public आप जब डालेंगे तभी आपकी ये स्क्रिप्ट यहाँ पे ओपन होगी। तो इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं इस बारे में जो कि है डोमेन रीडायरेक्ट। आपको सी पैनल में जाना है और डोमेन्स नाम की सेक्शन में आपको ये जो ऑप्शन मिलेगा रीडायरेक्ट्स, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आने के बाद आपके अगर एक से ज़्यादा डोमेन होंगे तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी डोमेन है आपका। उसके बाद आपकी जो URL है यानी कि हमारी स्क्रिप्ट जहाँ पे इंस्टॉल हुए है वो URL आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और रीडायरेक्ट टू वाले इस इनपुट फील्ड में जाके इसे पेस्ट कर दीजिए, जिससे कि होगा क्या, यूज़र जब कभी अब हमारा डोमेन डालेगा तो वो ऑटोमेटिकली इस URL पे रीडायरेक्ट हो जाएगा और उसके ठीक नीचे आपको ये जो ऑप्शन मिल जा रहा है रीडायरेक्ट विथ और विदाउट www, ये ऑप्शन ही यहाँ से सेलेक्टेड रहने दीजिए और ऐड बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब आप यहाँ से आपकी जो डोमेन है यानी कि आपका जो भी डोमेन रहेगा उसको यहाँ से विजिट कर लीजिए और तब आप देख सकते हैं कि आपका जो डोमेन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका डोमेन /public इस लिंक पे रीडायरेक्ट हो जा रहा है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी हमारा यहाँ से सॉल्व हो चुका है और आप जो है आपके एडमिन एरिया का जो डिटेल्स दिया था उसने इंस्टॉलेशन विंडो में, वहाँ से आप उसे एक्सेस कर पाएंगे और सारी सेटिंग्स वहाँ से कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी सी पैनल में Laralink URL शॉर्टनर स्क्रिप्ट को अपलोड कर पाएंगे और URL शॉर्टनर वेबसाइट क्रिएट कर पाएंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।